नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को निकालने का काम लगातार जारी है। पहाड़ को ऊपर से खोदने की तैयारी चल रही है। रेस्क्यू टीम टनल के ऊपर पहाड़ पर मैपिंग में जुटी है, जिसके बाद पहाड़ की खुदाई का काम शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, रेस्क्यू टीम टनल के ऊपर है और आप देखिए किस तरीके से पहाड़ पर मैपिंग में जुटी हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों को बचाने की जद्दोजहद है, क्योंकि मजदूरों की जिंदगी दांव पर है और कई लोग जो उनके अपने हैं वो एक झलक पाने के लिए उनके एक इंतजार कर रहे हैं। सात दिन कोशिशें नाकाम, हर कोशिश हो रही नाकाम। बड़ा सवाल, कैसे बचेगी 41 जान? उत्तरकाशी की सिलकियारा सुरंग में 41 जिंदगियों को नए सवेरे का इंतजार लंबा होता जा रहा है। 12 नवंबर से सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने की हर कोशिश ढेर हो रही है। इसी के नीचे टनल है और ये टनल के अंदर क्या काम रुक चुका है या नहीं रुका है, ये अपने आप में किसी भी तरह की डिटेल सामने नहीं आई है। अभी काम नहीं चल रहा है ये बात पक्की है, क्योंकि आवाज़ आप देख रहे हैं बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल साइलेंट है। अभी आप देखिए कोई भी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन जब मशीन चलती है तो दरअसल आवाज़ आती है, तेज़ आवाज़ आती है जो हम तक पहुँचती है। मजदूरों का धैर्य जवाब दे रहा है। परिजन अपनों के इंतजार में बस उम्मीदें पाले हैं। मजदूरों का रेस्क्यू करने के लिए हर तरकीब आजमाई जा रही है, लेकिन अब तक नाकामी ही हाथ लगी है। इंदौर से ऑगस मशीन भी बुलाई गई, लेकिन काम शुरू नहीं हो सका। रेस्क्यू टीम टनल के ऊपर पहाड़ पर मैपिंग भी कर रही है। न्यूज नेशन पहला ऐसा चैनल है जिसने पहाड़ का जायजा लिया। अब वो पॉइंट कहां पर है जहां पर से खुदाई होनी है, जहां से वर्टिकल नीचे जाकर के जो हमारे मजदूर हैं उनको बाहर निकालना है। तो यहां पर ये देखिए मार्किंग की गई है, ये लाल रंग से मार्किंग की गई है इस पत्थर के ऊपर। ये लाल पत्थर जिस पर लाल रंग से मार्किंग की गई है, ये यहाँ से मार्क किया गया है इस पोजीशन से। और दूसरा पेड़ ये देखिए, ये वो पेड़ है जहाँ पर मार्किंग की गई है बकायदा, ये पेड़ पर एक मार्किंग है। तो इस निशान का मतलब ये है कि यहाँ से अगर हम नीचे जाते हैं, यानी 70 मीटर नीचे जाते हैं, तो मजदूरों की जो लोकेशन है वो ठीक नीचे इसके निकलेगी। न्यूज नेशन ने मैपिंग टीम से सर्वे के बारे में जानने की कोशिश भी की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पहाड़ का हेलीकॉप्टर से भी जायजा लिया जा रहा है। पीएमओ की टीम सक्रिय है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि पहाड़ को काटने में वक्त लगेगा, थोड़ा चढ़ाई है और रोड कट के जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा सर। और जब टाइम लगेगा सर तो फिर हमारे भाई जो अंदर फंसे हुए हैं उन्हें अभी अपना उदासित लगेगा कि अभी टाइम है, हम बाहर आ रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा सर। थोड़ा चढ़ाई है और पेड़ भी हैं इसके बीच में आ रहे हैं ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब रही बात ड्रिलिंग मशीन की, वो कैसे चलती क्या चलती वो हमारी सोच में नहीं है सर, कि उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। पहाड़ तक मशीनें पहुँचाने के लिए खुदाई भी शुरू हो गई। तस्वीरें दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए बाकायदा रोड बनाई जा रही है, यानी कि ये पुख्ता हो चुका है। न्यूज़ नेशन ने जो खबर आपको दिखा रहा है ऊपर से पहाड़ से, वो पहाड़ का के रास्ते से नीचे वर्टिकल जो है जाने की अब तैयारी है। तो यहाँ पे देखिए बाकायदा रोड को जो है तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर क्रेन पहुँच चुकी है और तमाम तरह से ये मशीनरी जो है ऊपर पहुँचाने के लिए एक रास्ता तैयार किया जा रहा है। इस रास्ते के जरिए ही अब ऊपर पहुंचा जाएगा, उन मशीनों को ऊपर ले जाया जाएगा। हम आपको एनिमेशन के जरिए भी बताते हैं कि आखिर ड्रिलिंग में क्या क्या दिक्कत आई और अब कैसे नए प्लान पर काम किया जा रहा है। सिलकियारा और डंडाल गांव के बीच इस सुरंग की कुल लंबाई 4.5 किलोमीटर है, जिसमें सिलकियारा की तरफ से एंट्री गेट से करीब 270 मीटर अंदर मजदूर फंसे हैं। मजदूरों तक पहुंचने के लिए आगर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा था। ड्रिलिंग के बाद 1 मीटर से कम चौड़े स्टील के पाइप डाले जा रहे थे। 24 मीटर ड्रिलिंग हुई, 6 पाइप डाले गए। 24 मीटर बाद रास्ते में बड़ा पत्थर आने की वजह से ड्रिलिंग का काम रुक गया। अब हम एनिमेशन के जरिए बताते हैं कि प्लान बी क्या है। अब टनल को ऊपर से काटने का प्लान है, इसके लिए मैपिंग भी हो रही है। ऊपर से करीब 70 मीटर की खुदाई की जाएगी और फिर मजदूरों को एयरलिफ्ट किया जाएगा।
ये भी प्लान है और इस प्लान में कितना वक्त लगेगा, कैसे काम शुरू होगा, इसका जवाब अभी नहीं मिला है। मजदूरों के लिए पल पल भारी हो रहा है, लेकिन सब रेस्क्यू ऑपरेशन नाकाम हो रहे, अब बड़े प्लान की तैयारी है। उत्तरकाशी से सैयद आमिर के साथ टीम न्यूज़ नेशन।